अरे चाचू बीजी आप लोग आ गए। आप डॉक्टर के पास गए थे ना, डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ सीरियस नहीं है ना? बीजी बोलिए ना, क्या हुआ? और मानवी कहाँ रह गए? बीजी बीजी क्या हुआ? मानवी को कुछ हुआ है क्या? बीजी बोलिए ना बीजी। चाचा जी आप तो बताइए, मानवी को कुछ हुआ है क्या? मानवी कहाँ है? बीजी बीजी आप ऐसे चुप क्यों है? वो बेटा मानवी को तबीयत इतनी खराब हो गई है, हम उसे मानवी के कैंसर के बारे में नहीं बता सकते। बात तो तेरी ठीक है मदन, हमें जल्द से जल्द मानवी को ऋषिकेश लेके जाना चाहिए। अब तो उसकी बीमारी की पुष्टि भी हो चुकी है, जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू होना चाहिए। और डॉक्टर मनन के पास उसके कैंसर की स्टेज की रिपोर्ट भी आ गई होगी। लेकिन जीविका को क्या कहेंगे, हम मानवी को क्यों लेके जा रहे हैं? उसके सवालों के जवाब कौन देगा? और वो भी चाचू बीजी आप लोग आ गए। आप डॉक्टर के पास गए थे ना, डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ सीरियस नहीं है ना? बीजी बोलिए ना, क्या हुआ? और मानवी कहाँ रह गए? बीजी बीजी क्या हुआ? मानवी को कुछ हुआ है क्या? बीजी बोलिए ना बीजी। चाचा जी आप तो बताइए, मानवी को कुछ हुआ है क्या? मानवी कहाँ है? बीजी बीजी आप ऐसे चुप क्यों है? वो बेटा मानवी को पानी नहीं गया। जीविका हे रब्बा ये क्या हो रहा है? उठना बेटा, जीविका 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 क्या हुआ? जीविका को, जीविका बेटा आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो जीविका बेटा। ये लीजिए जीविका, आंखें खोलो बेटा। उठ जा,
नहीं बेटा, लेटे रहो, आराम मिलेगा। लेकिन ये अचानक तुम्हें क्या हो गया था जीविका? बेची, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और फिर मैं बेहोश होके गिर गई। शायद तुम्हारा बीपी लो हो गया होगा। तुम्हें आराम की जरूरत है जीविका। चलो हम तुम्हें कमरे में छोड़ देते हैं, तब तक हम वीरेन को भी खबर कर देंगे। अब नहीं नहीं बुआ जी, प्लीज वीरेन जी को कुछ मत कहिए, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ है मुझे। नहीं जीविका, वीरेन तुम्हारा पति है, उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है। और वैसे भी अपनों से कुछ नहीं छुपाते हैं। चलाओ आओ हमारे साथ। अपनों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। क्या मैं जीविका से मानवी के कैंसर की बात छुपाकर सही कर रही हूँ? बीजी, अब जब जीविका की तबीयत इतनी खराब हो गई है, हम उसे मानवी के कैंसर के बारे में नहीं बता सकते। बात तो तेरी ठीक है मदन, हमें जल्द से जल्द मानवी को ऋषिकेश लेके जाना चाहिए। अब तो उसकी बीमारी की पुष्टि भी हो चुकी, जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू होना चाहिए और डॉक्टर मनन के पास उसके कैंसर की स्टेज की रिपोर्ट भी आ गई होगी। लेकिन जीविका को क्या कहेंगे, हम मानवी को क्यों लेके जा रहे हैं, उसके सवालों के जवाब कौन देगा? और वो भी हम जानते हैं कि आप दोनों अब भी जीविका को लेकर परेशान हो, लेकिन जीविका बिल्कुल ठीक है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। और वैसे भी पीछे आपकी भी तो तबीयत खराब है ना, आप ज्यादा सोचेंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। क्या हुआ है जीविका दी को? कहाँ है वो बुआ जी? वो अपने कमरे में है मानवी। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं जाके देख के आती। मानवी, वीरेन है उसके साथ, उन्हें कुछ देर अकेला छोड़ दो, तुम बाद में मिल लेना। स्वामिनी जी ठीक कह रही है बेटा। बुआ जी, मैं बस एक बार दी को देखना चाहती हूँ, मुझे ना तसल्ली हो जाएगी। प्लीज बुआ जी, बस एक बार। मैं रूम में नहीं जाऊंगी उनके, बाहर से ही देख के आ जाऊंगी, प्रॉमिस बुआ जी। उनको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। ठीक है, जाओ। ये लो, ये एक सिप पी लो, इलेक्ट्रॉल है, तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिलेगी। कम ऑन। नहीं वीरेन जी, मेरी एनर्जी फुल है। आप ना, आप ऐसे बोल के मुझे बीमार कर दोगे। एक सिप पी लो, मैं नहीं जानता। मैं आजकल देख रहा हूँ तुमने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, वीकनेस हो गया तुम्हें। कमा पियो। वीरेन जी आप भी ना छोटी सी बात को खींचे जा रहे हो। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस सुबह से थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग हो रही है। अजीब सी फीलिंग हो रही है, क्यों, क्या हुआ? वो मेरा सर भारी हो रहा है और सुबह एक बार मैंने उल्टी भी की थी। मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने मैंने अपने पीरियड्स भी मिस कर दिए, तो मुझे लगता है इसी वजह से मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे उल्टी हो रही है। Are you sure? वीरेन जी, यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और आप खुश हो रहे हो। तुम इसका मतलब ही जानती हो जीविका, उल्टी आना, सर भारी होना, इस महीने तुमने अपनी पीरियड साइकिल मिस कर दिया, इसका मतलब समझते हो तुम? क्या वीरेन जी? जीविका, इसका मतलब यह है कि दादाजी, परदादाजी, बीजी, बड़ी बीजी, मानवी मौसी और विराट चाचा, और मैं पापा और
मम्मी बनने वाली हो। Can you believe it? मैं पापा और तुम मम्मी बनने वाली हो। फ्रेंड जी, आप वकील हो या जज, फौरन फैसले पे आ गए। अरे मुझे सर दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, ये तो नॉर्मल चीज है, किसी को भी हो सकता है, मर्दों को भी तो होता है। इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, लेकिन ये सब टीवी पे होता है, फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। एक मिनट, लेकिन अच्छा सोचने में क्या बुराई? अच्छा सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम श्योर भी तो नहीं है। तो फिर हम श्योर कैसे होंगे? वीरेन जी, आजकल वो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है, वो अगर आप मेरे लिए ले आ सकते हो तो। ऑफ कोर्स लेके आ सकता हूँ, एक बार ले आता हूँ, उसके बाद मैं प्रमोशन फ्रॉम पति टू पापा मैं भी ला। वीरेन जी, अभी टेस्ट बाकी है, आप अभी से सेलिब्रेट करने लगे? करने दो ना जीविका, तुम जानते हो मैंने इस एहसास के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज पहली बार महसूस कर रहा हूं कि एक बच्चे की खुशी क्या होती। प्लीज करने दो ना सेलिब्रेट। मैं समझ सकती हूँ वीरेन जी, लेकिन वीरेन जी प्लीज ये बात आप घर में किसी को मत बताइए जब तक हम श्योर नहीं है। मैं किसी की उम्मीद नहीं बांधना चाहती। नहीं, आप तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जब तक हम श्योर नहीं होते हमें किसी और को बताना नहीं चाहिए। लेकिन जीविका, मैं चाहता हूँ कि यह खुशी मेरी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में आए। मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्यों कर रही है? बीजी, थोड़ा सांस तो लेने दो। आप लोग अपने दिल थाम के बैठ जाइए, अपनी जो चेयर्स है ना उन्हें कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि अभी जो खबर, नहीं महाखबर जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ ना, उसके बाद आप लोग अपनी चेयर से उड़ जाएंगे, कूद जाएंगे, उछल पड़ेंगे। और बीजी, आपके तो घुटनों का दर्द ऐसे ऐसे छूमंतर हो जाएगा। क्या बात है बेटा, सीधा सीधा क्यों नहीं बता रही है? बीजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं घुमाऊं या खुद घूम जाऊं, इतनी बड़ी खबर है बीजी, इतनी बड़ी खबर है। अरे अब बता भी दे मन्नू। अच्छा तो ठीक है, दिल थाम के बैठिया, इस साल की नहीं, इस सदी की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द मिलेनियम, बीजी आप बड़ी बीजी बनने वाली है। चाचू, आप नाना, और फाइनली स्वामी, वो आप दादी बनने वाली है, और मैं मानवी, मासी, मासी। लगा ना 80 वाट का झटका, मुझे भी लगा था जब मैंने जीजू और दी को आपस में ये न्यूज़ शेयर करते हुए सुना था। इस घर में बहुत सारी खुशियां होंगी, बहुत सारा धमाका होगा। बुआ जी, मैं वंशी कांटी और कादम्बरी चाची को भी न्यूज़ लेके आती हूं, अभी आ रही हूं। बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपको भी। ये कैसी कश्मकश है, एक बेटी की खुशी में खुश हो या दूसरे के गम में दुखी। हे भगवान, क्या जीविका को मानवी के कैंसर के बारे में बताना सही होगा?